हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, होप करता हूं गाइस आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे भाई। तो फिलहाल गाइस अभी देखो जस्ट मैं आ रहा हूं भाई साहब स्कूल से। अभी जानते हो स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है भाई। एक्चुअली जानते हो गाइस क्या सीन हो गया था, कल व्लॉग भी नहीं आया था भाई, क्योंकि जानते हो मेरा फोन जो था ना वो ऑफिस में सबमिट हो गया था। मैं स्कूल में फोन लेके गया था और मेरा फोन पकड़ा गया भाई, मेरा ही नहीं बहुत लोगों का पकड़ाया था, बट ऑफिस में सबमिट हो गया। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया भाई। तो आज अभी मिला है फोन मुझे फाइनली, तो अब जाके ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ भाई मैं। तो अभी चाचू आए हुए थे, गए हैं वहाँ बाहर भाई कुछ काम से, और अम्मी भी गई हुई थी। प्रिंसिपल मैम ने क्या क्या बोला, कुछ शिकायतें मिली है तुम्हारे? क्या क्या? फोन लेके जाना नहीं दोबारा भी। हाँ। अगर फोन दोबारा लेके जाओगे तो मैं आऊंगी नहीं लेने के। भाई अब्बू से मैं बोल रहा था आने के लिए, अब्बू आ ही नहीं रहे थे स्कूल में, ही बोल रहे कि जाओ लेके आओ, तुम ही लेके गए थे, तुम ही लेके आओ। थैंक गॉड गाइस फोन मिल गया। बट गाइस कल मेरे पास पूरा दिन फोन नहीं था, सोच लो भाई पूरा दिन फोन नहीं था, मैं कैसे था, मैंने इसीलिए व्लॉग भी नहीं डाला भाई। बट गाइस फाइनली फोन मिल चुका है, तो अभी हम निकल रहे भाई यहाँ से घर के लिए। फाइनली भाई साहब अभी देखो हम लोग जस्ट घर पे पहुंच रहे भाई साहब। तो फाइनली फोन मिल चुका है, मैं घर पे आ गया। और अभी देखो जीशान और समीर ना स्कूल में ही हैं, वो लोगों की भी छुट्टी होने वाली होगी आधे घंटे में। तो मैं पहले चले आया क्योंकि चाचू वगैरह आ रहे थे, तो मैं सोचा साथ में चले आते हैं, तो वो लोग बस से आ रहे होंगे अभी आधे घंटे में। फिलहाल तब तक के लिए भाई थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलो अभी कपड़ा चेंज करते हैं भाई। तो फाइनली गाइस अभी देखो नहा धो के फ्रेश हो लिए भाई साहब, कपड़ा वगैरह चेंज कर लिए। ये देखो फाइनली जीशान भी आ गया भाई। हाँ मिल गया। पता है स्कूल में प्रिंसिपल मैम क्या बोली है तुझे, जीशान भी स्कूल में फोन लेके जाता है। किसका फोन? किसका? कसम से बोली है, इसे पता मैं ले जाता हूँ। बोली है कि किसी का फोन या तो छुपाता है या तो ये लेके जाता है, पकड़ा चुका है एक बार। पकड़ा चुका हूँ? हाँ। अच्छा पकड़ा है तो तुम मोबाइल जाता नहीं ऑफिस में? भाई साहब सच में बता रहा हूँ, प्रिंसिपल मैम बोली है कि जीशान भी स्कूल में फोन लेके जाता है, बट जीशान के पास फोन ही नहीं है। मुझे अभी तक देखी नहीं है प्रिंसिपल मैम। हाँ? हाँ, देखी नहीं है। इसलिए हमारे स्कूल में नई प्रिंसिपल मैम आई है ना, तो इसके वजह से भाई जीशान को भी बोल रही थी कि फोन लेके जाता है। ये भी नहीं जानती कि मैं तेरा भाई हूँ, आपस में कैसे तो पता? पता नहीं भाई, पता नहीं कैसे बोल रही थी। या तो हो सकता है तू लेके जाता हो तो। किसका? सही सही बता दे, चोरी वाला फोन। किसका? किसी का भी। पक्का नहीं लेके गया? पूछ ले किसी से भी। जा तो फटाफट नहा ले जा। सुना ऑफिस में एक झापड़ भी पाए प्रिंसिपल मैम से? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक भी नहीं पाया हूँ। जिस दिन मेरा फोन पकड़ाया था ना, बस उस दिन एक झापड़ पाया था मैं। भाई एक थप्पड़ मुझे पड़ा था जब मेरा फोन पकड़ाया था, उस टाइम बस। और ये लो भाई साहब फाइनली समीर भी नहावा के आ चुका भाई। पता है प्रिंसिपल मैम बोल रही थी जीशान भी फोन लेके जाता है स्कूल में। हाँ अम्मी का फोन लेके जाता है? कहाँ देखा था मेरे को, कभी ले गया हूँ मैं? लेके जाता है, पक्का क्लास में चलाता होगा। और भाई एक चीज तो मैंने बताया नहीं भाई कि परसों हमारे साथ पता है क्या हो गया था भाई, पार्किंग में से अपनी साइकिल ही गायब हो गई थी, जीशान की जो सबसे पहले वाली साइकिल थी। भाई अभी तक नहीं मिली, दोस्तों से भी पूछा, कह रहे नहीं मालूम। एक्चुअली जानते हो भाई साइकिल वो पार्किंग में थी ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। थी वहाँ पे व्लॉग में भी। तो चुप रहे, याद वाद है नहीं तुझे? मुझे नहीं याद है, मुझे याद है मेरी साइकिल। वो नहीं थी साइकिल पक्का, तभी इधर उधर, वो पहले से ही गायब है, तुझे पता नहीं है? पूछा है दोस्तों से? क्योंकि जानते हो भाई अपनी साइकिल दे देता है ना कभी कभी किसी को चलाने के लिए, वो लोग शाम हमको लेके आते। किसको दूंगा, वो खराब थी भाई। जिस किसी को भी नहीं पता है ना, जीशान की जो सबसे पहली साइकिल थी भाई, वो एकदम अलग लेवल की खुशी थी तब जब जीशान को मिली थी। बहुत जिद किया था भाई तब जाके साइकिल मिली थी ना, पहली साइकिल। फोटो यहाँ बाजू में आ रहा होगा भाई, आप लोग देख लो। और उस वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज भी गए थे, वो अभी तक जीशान संभाल के रखा था, सोच लो। उसको अकेले रखा था और कोई नहीं। तो फिलहाल देखो शाम हो चुकी है, शाम के 7 बज रहे हैं। और पता है गाइस क्या सीन हो गया, किशान की जो डर्ट बाइक थी ना भाई, उसमें देखो लाइट्स वगैरह जली नहीं रही है। ये देखो वायरिंग वगैरह कुछ खराब हो गया भाई। और ये देखो यहाँ आगे लाइट लगी है, यहाँ पे लगी है, बट एक भी नहीं जल रही है। पानी वानी चले गया वायर में, कुछ दिक्कत, कुछ तो दिक्कत आया हुआ है, इसको दिखवाना पड़ेगा। इतना बड़ा हो गया भाई, अभी तक इसको डर्ट बाइक ही नहीं चालू करने आई। चल शर्त लगा ले, अगर तू 5 किक में स्टार्ट कर दिया तो पक्का तुझे 1000 रुपया दूंगा। पक्का कसम से दूंगा, अगर तू 5 किक में स्टार्ट कर दिया पक्का। तेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे स्टार्ट करो। हे भाई देव पर, मैं देव पर ही हूं। हां चल चल 5 किक बोला हूं। 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लास्ट 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 ट्राई कर ले, खत्म। पहली बार में हो गया था, थोड़ा सा और मारा होता ना तो पक्का हो जाता, सोच ले माला माल हो जाता तू। अच्छा चल एक किक का और ट्राई करने को दे रहा हूँ, चल लास्ट
जा भग, कोनो करम लायक नहीं हो, जाओ एकदम से लगते हो। एक किक में अगर स्टार्ट कर दे तो क्या देगा बता? मुझे मारना। एक किक में ना? ठीक है। ये तो भाई पीछे आया जीशान, अभी तक ये साइकिल ही ढूंढ रहा है भाई। छोड़ रहने दे, बहुत पुरानी हो गई थी वो, पता है 3 साल पुरानी साइकिल थी, अब उसको रहने दे। 3 साल तो बेचे, उसको छोड़ देगा क्या इसे? इसमें गलती तेरी है। अब देखो भाई, एक साइकिल यहीं पे पड़ी है इसकी, देखो इसकी कदर नहीं है। अभी जब ये कहीं गायब होगी तब इसको पता चलेगा। अभी ये यहाँ पे खड़ी है, कोई उठा ले जाए तो? कैसे उठा लिया? इसे जैसे वो गई है। देखो भाई, साइकिल जीशान ना यहीं पे बोला खड़ी थी, कब से भाई जान। तो मुझे यहाँ पे लगी नहीं रहा कि साइकिल थी भाई पहले से। तो फिलहाल भाई साहब, अभी देखो हम लोग घर पे आ गए और जीशान भाई साहब अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। ये तो भाई जीशान ने होमवर्क कंप्लीट भी कर लिया। करना नहीं पड़ता, लेकिन ये दे फिर से कराऊ ना, ये दे क्योंकि इधर कट कर दिए। ये तो भाई इसके सर ने ना पूरा भाई काट दिया था, लिखा था भाई पूरा, स्पेलिंग मिस्टेक था 3-4। भाई लिखा था पूरा, बट सर ने पूरा काट दिया, सिर्फ 3-4 स्पेलिंग मिस्टेक था। मेरा नहीं, सबका, बहुत लोग का कटा है। ये देखो जीशान पूरा फिर से लिखा है, गुड बॉय गुड बॉय। ये तो भाई ये लोग बैठ के रील चला रहे हैं मस्त। क्या आईफोन 15 का रिंगटोन लीक हो गया? ए हाँ, आज भाई साहब 15 की लॉन्चिंग थी। अभी नहीं हुआ है, 10:30 बजे भाई साहब आज 15 लॉन्च हो जाएगा सोचो। बट उतना हाइप नहीं है जितना 14 का था ना। 12 का सबसे ज्यादा था। और गाइस एक चीज और आप लोगों को बतानी है, तो पता ही है भाई कि जीशान की जो पहली वाली साइकिल थी वो तो मिल नहीं रही है भाई। तो हम सोच रहे हैं भाई साहब जीशान को एक न्यू साइकिल गिफ्ट कर देते हैं, क्या बोलते हो? हाँ साइकिल, हाँ मजा आएगा, ले 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 ले। तो सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, ऐसे थोड़ी ना। बता क्यों दिया? नहीं नहीं, तुझे बता दूं पता रहेगा, लेकिन किस दिन दूंगा, अचानक से भयानक में कहाँ दूंगा कुछ पता नहीं है। इस वीडियो पे कितने कमेंट होने चाहिए तब? 3,000 कमेंट। पक्का? पक्का। 3,000 ना? हाँ। भाई साहब जीशान ने बोल दिया 3,000 कमेंट होने चाहिए इस वीडियो पे, अगर हो गए भाई तो हम जीशान को एक न्यू साइकिल देंगे। चलो कर दो भाई, दबा के सब लोग कमेंट होगा, एक आईडी से 10 कमेंट, 3,000 जल्दी से कर दो कि मुझे न्यू साइकिल मिल जाए। और पुराने साइकिल के भी दुख है चली गई। अरे कोई ना कोई ना। लेकिन वो कहाँ है ये तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन बट जान दो गाइस, वो 3 साल पुरानी साइकिल थी, इसलिए ना हम लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुझे पड़ रहा है। तो फिलहाल भाई साहब अभी देखो टाइम हो चुका है भाई साहब रात के 11, और अब अभी हम लोग जस्ट खाना खा रहे हैं भाई। तो सभी लोगों ने फाइनली खाना वगैरह खा लिया, अभी मैं किचन में ही हूँ। फिलहाल भाई अभी सबसे पहले ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। भाई मैं दिन भर में ना कम से कम 3-4 लीटर पानी पीता हूँ, और उतना पीना चाहिए भाई, आराम से सबको पीना चाहिए भाई 3-4 लीटर पानी। तो फिलहाल भाई खाना वगैरह भी खा लिया है, अब रात भी ज्यादा हो गई है, तो फिलहाल कल सुबह स्कूल भी जाना रहेगा। तो फिलहाल अभी हम कर देते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है भाई। तो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। तो चलो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टेक केयर, बाय।